Assalamualaikum friends, welcome back to Naik Safar. I hope you all are fine and I am also fine. So today is 24 March and the day is Friday. So friends, आप लोगों को रमज़ान का पहले first Friday and first रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो. So आज Friday है तो जब भी मतलब कि मेरा ये एक habit है, जितने भी Friday होते हैं उन सभी दिन में new dress पहनती हूँ. तो आज फर्स्ट फ्राइडे और फर्स्ट रोज़ा है तो इसलिए आज मैं अभी जा रही हूँ नहाने और उसका जो आउटफिट है पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ. सो फ्रेंड, माय आउटफिट इज दिस. सो आज मैं पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस. अभी जो मम्मी दिल्ली गई थी ना तो वहाँ से ये ड्रेस लाई थी. तो वहाँ इसका नाम है काफ्तान ड्रेस. बिकॉज अगर आप नहीं जानते तो आप इसके बारे में इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो. मैंने भी किया था जब मम्मी से नहीं रही, जिससे पहले ही मैंने इसे सर्च करके देखा था कैसा होता है. इसका जो ये आस्तीन का जो ये टाइप होता है ना, इस टाइप का आस्तीन, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है काफ्तान. सो ऐसा दो ड्रेस लाई थी, एक मेरे लिए और एक मेरी बहन के लिए. तो हम दोनों के बस सेम है. मेरा जो यहाँ पे पिंक है उसका यहाँ पे वो गाजरी कलर है मे बी, और बाकी सब सेम है. और इसलिए इस पर ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन है. तो मैं पहन रही हूँ ब्लैक लेगिंग्स उसके नीचे और ये वाला दुपट्टा. ये देखिए दुपट्टा भी थोड़ा थोड़ा मैचिंग है इससे, तो इसलिए ये अभी मैं जा रही हूँ बस नहाने. तो बस नहा के आती हूँ, फिर आपको अच्छे से अपना लुक दिखाऊंगी. तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के और ये देखिए मेरा ये जो लुक है ड्रेस का, कितना प्यारा लुक है ना. आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ये देखिए इस तरह का इसका ये जो आस्तीन है इस तरीके का है. और ये देखिए नीचे से मैंने लेगिंग्स पहन लिया और ये रहा मेरा दुपट्टा. तो बस अब मैं जा रही हूँ मेरे नेबर के जो लोग हैं उनके घर पर. तो आप लोग भी आज के दिन नहाए और न्यू ड्रेस पहने. मेरा तो एक वे बना हुआ है बचपन से कि मैं इस हर फ्राइडे को न्यू ड्रेस मेरा एकदम पहनना मस्ट है. और अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि न्यू ड्रेस ही पहनना है. आप न्यू ड्रेस नहीं पहने, पुराना ही पहने, बट नहा धा के एक तरीके से रेडी हूँ. क्योंकि हम मुसलमानों का या कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, बट मैं ये मुसलमानों पे कह रही हूँ, हम मुसलमानों का फेस्टिवल बहुत कम होता है और जितना होता है हमें उसी में मतलब कि ऐसा इन्जॉयमेंट करना चाहिए कि वो लगे कि हाँ हमने मतलब कि ये 30 days का होता है तो हमें इस 30 days में इतना इन्जॉय करना चाहिए कि लगे कि हमारा भी फेस्टिवल एक होता है इन्जॉयबल. सो जब तक के लिए बाय बाय. सो फ्रेंड्स, बस नहाने के बाद इधर उधर किया, रमजान का दिन था तो बहुत ज़्यादा ही रोज़ा लग रहा था. तो कुछ देर के लिए मैं रेस्ट की स्लीप किया. फिर उसके बाद अभी मतलब कि इफ्तार का भी टाइम हो गया, 6:05 या 7 में इफ्तार करने का टाइम. तो अभी हमारे घर में सभी चीज़ बन रहे हैं माशाल्लाह से. और जब जब सब बन जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी. ये देखिए पापा कुछ दिन पहले इस 7 Up और ये फेंटा लाए थे जो कि अभी मुझे बिल्कुल नहीं पीना है बिकॉज मुझे बहुत अभी खांसी. सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलती हूँ इफ्तार के टाइम पे. तो जब तक लिए बाय फ्रेंड्स, बस अब हो गया इफ्तार का टाइम. और ये देखिए आज हमारे घर पर क्या इतने से तरह का आइटम है. और ये है हमारा फैंटा भी उसके साथ साथ. ये देखिए. तो बस अब इफ्तार का टाइम हो गया, तो इफ्तार करके फिर आपसे मिलूंगी. तब तक लिए बाय बाय. सो फ्रेंड्स, इफ्तार करने के बाद ना मतलब कि इतना सा थकान हो जाता है ना कि लगता है जितना कि रोज़ा हमें नहीं लगता है ऐसा लगता है कि उतना हमें थकान हो गया इफ्तार के बाद. तो कुछ भी मतलब कि मैं ये ब्लॉग नहीं बना पाई. मैंने कुछ भी मतलब कि इफ्तार के बाद मैंने उस टाइम के बाद कुछ भी नहीं ब्लॉग में बोला, उसके लिए सॉरी. और मतलब कि एक थकान सा हो जाता है, आप लोग को भी हो जाता होगा. और आज फर्स्ट रोज़ा था तो माशाल्लाह मैं माई फर्स्ट रमज़ान का पहला रोज़ा जो है वो कंप्लीट हो चुका है.
तो बस अभी मैं खाना खा के आई हूँ, तो मुझे बहुत तीता लग रहा है। और ये देखिए हमारी जो रूम का जो बिस्तर है ना, हमारे पूरे बेडशीट, पूरे ब्लैंकेट, ये सब का पूरे का हाल जो है ना इस तरीके का कुछ हो चुका है। तो अभी बस हमें नेट लगाना है, क्योंकि आज पता नहीं क्यों बहुत थकान के बाद बहुत नींद सी भी आ रही है, तो मन कर रहा है जितना भी जल्दी हो सके सो जाऊं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी नेट लगाने आई हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, मेरे रूम का ना एक ऐसा रहता है ना कि जैसे कि हर टाइम इसे ठीक कर दो, और हर टाइम ये वाला रूम तो पक्का ही ख़राब होना ही है। पता नहीं क्यों इसमें ऐसा क्या है, बट जो भी हो अभी मैं नेट लगा लेती हूँ, सबसे अच्छी बात ये। उस टाइम जब मैंने इफ्तार का दिखाया तो वहाँ पे कचरी नहीं आया था अश्मी भी, क्योंकि वो तला रहा था। उसके बाद वो आया, फिर वाटर भी नहीं था, वो सब फिर लाया लाई। और फिर उसी टाइम इफ्तार के 5 से 10 मिनट पहले मैं जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया था चली गई थी दूध लाने, वो एक्चुअली ना फ्रेंड्स हमने देखा कि जो मतलब कि दूध है वो बहुत कम है, और हम शहरी में भी जो है ना दूध पीते हैं एक गिलास, तो इसलिए मैं दूध लाई। और बस अभी जल्दी जल्दी नेट लगा लेते हैं, और इंशाल्लाह अब आपके साथ जो है ना हम अब शहरी का भी वीडियो शेयर करूँगी। सेकेंड शहरी से मैं आपके साथ हर एक वीडियो शहरी से स्टार्ट करके पूरे रात के एंड खाने पे करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस अब जल्दी से अपना नेट लगा लेते हैं। और ये देखिए अभी हमने अपना नेट लगा लिया, इस साइड से मैंने पूरे को वो जान दी है, और अभी इस साइड से मैं इसे अंदर से इसे जान देती हूँ। और माशाल्लाह से अब जो है ना रमज़ान का महीना है, तो इबादत करना भी स्टार्ट किया है, और अब इंशाल्लाह इबादत करना स्टार्ट किया है, तो अब ये रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह नहीं छूटेगा, ये अब हमेशा बना रहेगा। और आज मैंने कुरान पाक भी नहीं पढ़ा, बट इंशाल्लाह कल से ज़रूर पढ़ूँगी। तो बस अपना आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।